दोस्तों, मैं हूं रामजीवन गौतम। मैं अपना पहला वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। ये मेरी ज़िंदगी का अनुभव है। मैं अपना अनुभव आपके सामने व्यक्त करने जा रहा हूं। आपको कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, आप उनको सोचिए, समझिए कि उनमें सच्चाई है कि नहीं, और उनमें कुछ और नया क्या किया जा सकता है। अगर कुछ नया किया जा सकता है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश लगभग 70 सालों से हमारे हाथ में आया हुआ, उसके पहले हम और हमारा देश विदेशियों के हाथ में था। आखिर कारण क्या था कि विदेशी लोग हमारे देश को कब्जा कर रखे थे? इसके पीछे कुछ मैं आपको पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ। सोचिए क्या क्या पॉइंट है, समझिए उनको। जैसा कि आप सभी जानते हैं और इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है कि हम लोग आपस में स्टार्टिंग से लड़ते आ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों का जब विदेशी लोगों ने आकलन किया और उन्होंने देखा कि भारत के लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, और सबसे अच्छा उनको यह तरीका उन्हें बेटर लगा, उन्होंने आपसी मतभेद किया और यहाँ में अपने भारत में राज किया, और यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया, देश का शोषण किया। आखिर पृथ्वी की आयु लगभग कई वर्षों पूर्व भूगोल वेत्ता बता रहे हैं। पृथ्वी की आयु के बाद धीरे धीरे सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि के निर्माण होने के साथ साथ फिर धीरे धीरे मानव विकास हुआ। मानव विकास के साथ साथ कितने ऐसे वर्ष निकल गए जब तक हमारा देश हमारे हाथ में था ही नहीं, और हमारा देश आया तो लगभग 70 सालों में। 70 साल पहले हमारा देश हमारे हाथ में आया। सोचिए दोस्तों, जब किसी देश की ये स्थिति होगी, वहाँ पर कोई दूसरा विदेशी राज करेगा, तो उस देश की स्थिति क्या हो सकती है? चलो माना कि हमारा देश हमारे हाथ में आ और राजनीति पार्टियाँ आईं तो वो एक राजनीतिक तौर पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जनता में मतभेद पैदा करती है और आपस में लड़ा देती है और खुद जाके सत्ता पर बैठ जाती है। आखिर क्या यही स्थिति है? क्या यही देश का विकास है? क्या देश के विकास के लिए अन्य देशों से कल्पना नहीं की जा सकती कि अन्य देश हमारे देश की अपेक्षा कितने बढ़ चुके हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, और उन देशों की अपेक्षा हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, और हमारे यहाँ का प्रति व्यक्ति आय कितनी है अन्य देशों की अपेक्षा, जो लोग अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, बहुत बड़े नेता समझते हैं कि हम बहुत बहादुर और बहुत वीर हैं, तो उनकी वीरता का प्रमाण इतिहास बताता है कि हमारे देश में कितने वीर थे और कितने वीर नहीं थे। हमारे देश की वीरता का इतिहास यदि हम उठाकर देखें, तो हमारा देश ऐसे कौन से देश में राज किया है? हमारे देश के लोगों ने किस देश को गुलाम बनाया, किस देश के लोगों को बंदी बनाया? आज़ादी के समय जो हमको मिला, उसी को नहीं हम अधिकार जमा पा रहे हैं। विदेशी लोग आते हैं, विदेश जैसे हमारे पड़ोसी देश हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तिब्बत हो गया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो हमारे देश को आज भी उनकी सीमाएं के आसपास का एरिया हड़प रहे हैं, और हमारा देश, हमारी राजनीति, हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार इन चीज़ों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करती। कहते हैं कि अभी एक बार युद्ध हुआ था चीन से, बहुत पहले, 1300 के समथिंग, 1300 के समथिंग हुआ था, याद नहीं आता है कब हुआ था, 1300 के आसपास हुआ था। तो उसमें लगभग हमारे देश के 1700 सैनिक मारे गए थे, कुछ सैनिक लापता। गवर्नमेंट, हमारे सरकार, हमारे नेता लोग इन चीज़ों पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते हैं। बात यह है कि हमको जो दिखाया जाता है वो ऐसा होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता। हमारे देश में लगभग 80% ऐसे लोग हैं कि किसी भी चीज़ को आंख बंद करके मान लेते हैं, और उसमें सच्चाई है कि नहीं उस पर कभी तर्क वितर्क नहीं करते हैं। हमारे देश के जो स्टूडेंट्स, उनकी शिक्षा व्यवस्था है, उनको किस ओर जाना? जैसे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था होगी, वैसा हमारा भविष्य होगा। तो आप खुद देखिए कि हमारे देश की स्थिति क्या है। हमारे स्टूडेंट्स
हाई स्कूल पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद उनको कितने रुपए की जॉब मिलती है। तो इस स्थिति से, इन सारी बातों से आकलन किया जा सकता है कि हमारा देश अभी कितना तरक्की कर पाया है, और इन सारी चीज़ों को तरक्की करने के लिए हमको तर्क वितर्क और अन्य देशों से हमें तुलना करना पड़ेगा कि अन्य देश हमारे देश से कितना आगे बढ़ चुके, उनसे कंपेयर करना पड़ेगा और उनकी टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। हम धर्म जाति के नाम पर फंसे पड़े हैं। हमारे देश इसलिए गुलाम हुआ था क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते थे, और आज भी स्थिति इतनी बुरी है कि हम आपस में लड़ना तो दूर की बात, हम भाई भाई में नहीं हम लोगों की पड़ती है ये स्थिति। माँ बाप में नहीं पड़ती है, सास ससुर में नहीं पड़ती है, चाचा बुआ ताऊ में नहीं पड़ती है, जो भी होता है। तो हम इन्हीं में उलझे पड़े हैं, और इससे उलझेंगे, इन्हीं में उलझे रहेंगे तो हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे कैसे। जब इनसे हम सुलझेंगे, जब ही हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो मेरा सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों से सुलझो और आगे आओ, देश के बारे में कुछ नया करने का अपना अपना अनुभव व्यक्त करो। आखिर और नया क्या किया जा सकता है ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, और कौन सी कमियां हैं उनको सुधारा जा सके, सब लोग ज़रूर सजेस्ट करें। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर बताएंगे देश की तरक्की के लिए और क्या नया किया जाना चाहिए, देश कैसे और बेटर हो सकता है, आप ज़रूर बताएं। आपका दोस्त रामजीवन गौतम, धन्यवाद।